डिप्रिसिएशन को हम लोग दो नजरिए से पढ़ना है चैप्टर। एक पार्ट है जो होगा कैलकुलेशन का पार्ट। इस चैप्टर में दो मेथड से आपके डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और नंबर टू होगा प्रेजेंटेशन का पार्ट, मतलब आपको दो वे में प्रेजेंट करना। कैलकुलेशन जिस भी मेथड से करो, प्रेजेंटेशन दोनों वे से पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में दो मेथड है कैलकुलेशन का, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक मेथड का नाम हो गया SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, या जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। आपके एमसीक्यू के लिए बहुत काम का बात है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको WDV मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दो नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड का, दो नाम है स्ट्रेट लाइन SLM बोलो या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो। वैसे WDV डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दो मेथड है कैलकुलेशन का, प्रेजेंटेशन का दो मेथड है, एक है विदाउट प्रोविजन मेथड और एक है विथ प्रोविजन मेथड। एक का नाम है विदाउट प्रोविजन और एक का नाम है विथ प्रोविजन, यानी प्रेजेंटेशन में दो मेथड है, एक हो गया विदाउट प्रोविजन और एक हो गया विथ प्रोविजन। सर आप अगर SLM से कैलकुलेट करें तो भी दोनों वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, आप WDV से कैलकुलेट करें तो भी आप दोनों वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं आज हम लोग दोनों कैलकुलेशन का मेथड और प्रेजेंटेशन का बेसिक आइडिया देंगे, ठीक है। एक काम तो और बात है थ्योरिटिकली एग्जाम वाइज, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दो वर्ड होते हैं, डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन। जब इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू घटे उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, और जब टेंजिबल एसेट का वैल्यू घटे उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। पहला बात तो ये थी। अब डेप्रिसिएशन होने का तीन रीजन भी होता है जो थ्योरेटिकली कई बार पूछ लेता है। तीन रीजन बताओ जिसके कारण एसेट का वैल्यू कम होता है। पहला है आपका रियर एंड टियर, दूसरा है यूजेज, और तीसरा है ऑब्सोलेट। मेन तीन रीजन है, टूट फूट, कोई ऐसे टूट जाए तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। कोई ऐसे बहुत लंबा यूज कर लियो सेकेंड हैंड तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। एक ऐसे बात खरीद के लाए, दो साल यूज किया लैपटॉप को, दो साल बाद उसका वैल्यू डिफरेंट माने क्या गया, इसका 25,000 कॉस्ट है, नहीं वैल्यू कम हो जाएगा। और एक होता है ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है नया टेक्नोलॉजी का मार्केट में आना, जिसके कारण एसेट का वैल्यू कम हो गया, पुराना एसेट का वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे लैपटॉप में, मोबाइल में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, जैसे मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आता है, पुराने टेक्नोलॉजी का वो यूज या वो वैल्यू नहीं रहता, वो फैशन पुराना, मान लो नया फैशन आ गया तो पुराने फैशन के आइटम का उतना वैल्यू नहीं रहता। तो ये सब रीज़न है जिसके कारण एक एसेट डेप्रिशिएट है। थ्योरेटिकली आई थिंक इतना ही काम का बात है, इसमें प्रैक्टिकली जाना चाहिए। ये देखो पहले तो आपको यहाँ बताया मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी कैलकुलेशन का जो बात की। आपको बोला आपके सिलेबस में दो ही है, एक है फिक्स्ड एसेट फिक्स वैल्यू मेथड, या जिसको आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, यानी कि एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसका नाम है, इसको ही SLM बोलते हैं। और एक हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेन आपके सिलेबस में ये दो ही है, लेकिन सर कभी कभी और भी मेथड है जिनका नाम ध्यान में रखना जरूरी है। उनमें से एक नाम है एन्यूटी मेथड, जहाँ पे हम इंटरेस्ट के हिसाब से उसका वैल्यू रिड्यूस करते हैं। एक है सिंकिंग फंड मेथड, एक है डिप्लेशन मेथड, एक है मशीन आवर मेथड या सर्विस आवर मेथड,
एक नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड और एक सम और पेयर ऑफ डिजिटल मेथड। ये नाम याद आपको रखने हैं, उनका आपको और कुछ याद नहीं रखना क्योंकि एग्जाम आपके सिलेबस में हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं पहला मेथड एस एल एम मेथड के पेज में कहीं जगह भी मिलती है। SLM method, straight line method. तुम्हें लगा एक मशीन दो तरीके SLM के डेप्थ निकालेगा, एक तो आपको रेट गिवन हो या तो रेट नॉट गिवन, रेट नॉट गिवन। तो पहला SLM का मतलब बताइए। SLM का दो नाम और क्या, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका मतलब ये है बेटा कि हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही है। सर कैसे सेम होगा, एक बार रेट गिवन पे बात करते हैं, फिर रेट नॉट गिवन पे भी आएंगे। मान लो मेरा एक मशीन है जो हम 1 अप्रैल 2020 को कहेगा 5 लाख रुपये, मान लो डिप्रिसिएशन का रेट गिवन है 10% और बोला SLM मेथड। बेटा पहला मान लो मेरा अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च, पहला साल डिप्री कितना होगा, 5 लाख का 10%, और वो भी 9 महीने के लिए क्योंकि एक पूरा साल का, सॉरी अकाउंटिंग ईयर एक अप्रैल को सही सितंबर को भाई, बस सितंबर को भाई थी तो सर कितना महीना यूज किया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीना। चार्ज हो रहा है वो कौन सा है, सर बाइंग वैल्यू यानी परचेज वैल्यू यानी कुकिंग वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू, है ना। हाँ बेटा जी, यही अगर आपको बोलता हूँ रेट नॉट जी, तो कैसे डिप्री पहले निकालते, पहले हमको जानना होगा सर का डिप्री होगा कितना। यहाँ रेट गिवन में बड़ा आसान था ना, 5 का 10% बता दिया। हाँ। अब जिस साल जितना यूज हुआ उतना मंथ का डिप्री निकालते हैं, लेकिन यहाँ रेट नॉट गिवन हो तो एक फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ बैग, क्या फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड लाइफ ऑफ बैग। बेटे इस एसेट का मान लो एक बार हम दाम थोड़ा सा वैल्यू बदलने का बात कर रहे हैं, मान लो 4,80,000 में हम बुक खरीदा, ठीक है, तो लाने का 15,000 रुपया लगा और इंस्टॉलेशन का भी 5,000 रुपया लगा,
हाँ उसके ऊपर 10%। हाँ डब्ल्यू डी बी का भी आप विद फॉर्मूला विद रेट तो बता दिए।
विदाउट रेंट आपने विदाउट रेंट होता तो ये लाख करेंगे, हालांकि आप उसको विदाउट रेंट दे देंगे। वन माइनस रूट ओवर एन इनटू रेसिडुअल वैल्यू नॉन रेसिडुअल वैल्यू सॉरी डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू हंड्रेड। फॉर्मूला खाली याद रखना एग्जाम में एमसीक्यू में काम। अच्छा सॉल्व करने का माता पहला तो ये बात की है कि दोनों मेथड क्या है कैलकुलेशन का। हाँ अब बात आएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। हाँ प्रेजेंटेशन का बात करने के लिए कहानी समझा। हाँ प्रेजेंटेशन का दो तरीका, एक है विदाउट प्रोविजन मेथड, ठीक है। हाँ विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक तरीके कैसे भी और ये मास्टर प्रॉब्लम की तरह एग्जांपल होगा। इसी मास्टर प्रॉब्लम का हम एक बार एसएलएम सॉल्व करेंगे, एक बार डब्ल्यूडी भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में इसी मास्टर प्रॉब्लम से हम लोग विथ प्रोविजन सॉल्व करेंगे। अच्छा एक ही मास्टर प्रॉब्लम था चारों काम होंगे, ठीक है। आप चाहो तो एक कॉपी में ले लो और मेरा जो हमको सम बता रहा है उस साल का हम एकदम समरी में नोट अपना लैंग्वेज लिखने आता कार नहीं। हाँ ठीक है लिख रहे हैं। मान लो फर्स्ट अगस्त 2018 को हम एक मशीन परचेज कर, ठीक है। फिर सर उसी साल फर्स्ट दिसंबर 18 को आप एक और मशीन परचेज की, मान लो 1 लाख। फिर सर अगले साल फर्स्ट, क्योंकि मार्च के बाद फिर ईयर बदलेगा, मेरा अप्रैल टू मार्च अकाउंटिंग, ठीक है। मेरा फर्स्ट जून 19 को हम एक और मशीन परचेज किया, मान लो 2 लाख। फिर सर उसके नेक्स्ट ईयर फर्स्ट सितंबर 20 को आप सोल्ड कर दिए वन मशीन फॉर रुपीज लेट्स से 70,000 लाख रुपीज, जिसका कॉस्ट है मान लो 1 लाख रुपया, परचेज ऑन 1 18। अब एकदम पहला वाला जो 3 लाख का मशीन है ना, हाँ उसमें से एक मशीन जिसका कॉस्ट 1 लाख है, यानी सर इसमें 2 मशीन की तरह कम फंड्स को देंगे। इसमें 1 लाख का एक मशीन है, 2 लाख का एक मशीन। सर ऐसा है नहीं ऑरिजिनल में एक ही मशीन है, लेकिन बेचते समय आप उसका एक पार्ट भेज दें, हाँ वन पार्ट ऑफ द मशीन लिखते थे, सोल्ड वन पार्ट ऑफ द मशीन 70,000 में भेजिए, जिसका कॉस्ट कितना है 1 लाख, ठीक है। और सर उसी साल आप फर्स्ट जनवरी 21 को एक और मशीन परचेज कर लिए 50,000। ये आपका क्वेश्चन, आपका डिप्रिसिएशन का रेट सर मान लीजिए 20%, ठीक है। हाँ ये आपका सम तुरंत क्या करेंगे बेटा, एक वर्किंग बनाएगा इस चैप्टर का, वर्किंग ये जान है इस चैप्टर में, जिसको ये वर्किंग बनाना है या प्रेजेंटेशन जो है ना दोनों मेथड से वो बच्चे वाले तो वर्किंग का सारा फिगर प्रेजेंटेशन में जाएगा। तो चलिए वर्किंग बनाइए, तो वर्किंग बन गया तो यही वर्किंग आपको एसएलए में प्रेजेंट करना है, सेम ही वर्किंग से आपको डब्ल्यूडीबी भी सॉल्व करना है, सब में एक ही कहानी है का फिगर बदले, ठीक है। एसएलएम में वैल्यू अलग से निकलेगा, डब्ल्यूडी में वैल्यू अलग से निकलेगा। चलो बेटा हम बिगिनिंग में ना जो सम को रीड किया पूरा, हमको ये अंदाजा हो गया कि सर ये जो 3 लाख का मशीन है ना, ये है तो एक, लेकिन आगे जाके इसका एक पार्ट बिक जाए। बड़ी मशीनें होती है उनका एक पार्ट बिक सकता है, ऐसा होता है, वरना सर एक पार्ट कौन देगा। बट बड़ा बड़ा मशीन ऐसा होता है जिनका एक पार्ट भी काम आता है, ठीक है।
तो हम एक पार्ट बेचे, तो सर हम कोई स्टार्टिंग से अगर दो मशीन की तरह ले लें तो जिंदगी सबसे आसान नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में मान लिया ये दो मशीन है, मशीन दो मशीन। इसके बाद सर आप 1 दिसंबर को एक और मशीन भेजिए, उसी साल को मशीन थी, ठीक है। हाँ सर अगले साल एक और मशीन भेजो मशीन को, और लास्ट ईयर में एक और मशीन भेजो मशीन। तो वर्किंग में हम 5 मशीन की तरह संपर्क करेंगे। एक्चुअली में सर 4 ही मशीन खरीदना हुआ है, 1, 2, 3 और 3 लाख 50 हजार का 4। हाँ लेकिन सर हम कार्टून वाले मशीन को पहले ही 2 मशीन की तरह ले लें, ताकि मेरा जिंदगी आसान हो, ठीक हाँ है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट खेला डेट का है। जो डेट को संभाल लेगा वो इस चैप्टर में गलती नहीं करेगा, और जो डेट में ब्लंडर करेगा वो पूरा चैप्टर में रुका रहेगा। तो चलिए एकदम पहला डेट क्या है क्वेश्चन में, 1880 हम क्या किए, मशीन खरीदे। हाँ तो पहला मशीन तो हमने 1 लाख ले लिया और दूसरा मशीन, ठीक है। हाँ बाकी तीनों मशीन तो उस डेट पर कुछ नहीं हुआ था, वो डेट थी। सर क्वेश्चन में नेक्स्ट डेट क्या है, 1 12 18 1 दिसंबर 2018 और उस दिन फिर आप खरीद 1 लाख का एक और मशीन खरीदे, हाँ। बाकी में कुछ नहीं है। फिर सर कौन सा डेट आएगा, फिर 1 6 19 नहीं यही गलती कर सर, अब ईयर एंडिंग नहीं आया, नहीं आया तो अभी मतलब ईयर खत्म हो गया। हाँ सर ये सर 99 हाँ उस दिन क्या हुआ, डिप्रिसिएशन। सर 1 लाख का 20% निकालना है, लेकिन सर खरीदेगा वह 1 अगस्त को, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीना यूज किया, हाँ। तो 1 लाख का 20% यानी आपका है 2 लाख, सर 1 लाख का 20% 20,000 20,000 उसको आप ये इंटू एट डिवाइडेड बाय 10 1,73,333 डेप्रिसिएशन, हाँ।
वो एसएलएम मेथड है, ये 1 लाख का 20% होगा सीधा 20,000, ये 2 लाख का 20% होगा सीधा 40,000, तो ये 1 लाख का 20% होगा सीधा 20,000, लेकिन ये 2 लाख का 20% वो भी एक जून को कहते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने यूज किए, 2 लाख का 20% हुआ 40,000, 40,000 इंटू 10 / 12 अब सर आता है कहां थर्ड ईयर, जिस साल बीच में ये झमेला हो, 1 सितंबर को एक डेट आ रहा है जहां पे मशीन दिखे, 1 सितंबर डेट आएगा सर, पहले उस दिन डेप्री कीजिए काला मशीन को, क्योंकि आप इस साल भी उस मशीन को अप्रैल मई जून जुलाई अगर 5 महीने यूज किए उसके बाद बेची हो ना, 1 सितंबर को बेचिए, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने यूज हुआ है ना, हाँ सर, 1 लाख का मशीन पे 20% इंटू 5 / 12 2381 अब उसी दिन क्या हुआ सर, वापस कितना में सोल्ड किया बेटा, 70,000 डेट आएगा 21 जून 2022 21 उस दिन क्या होगा वापस डेट की जो बच गया उसमें से आपका पहला है चलिए पहला मशीन तो बिक गया लेकिन सेकंड मशीन बच गया ना 2 लाख का 20% चल नहीं गया 20 दो लाख है ना तो नहीं 40 40 हाँ 20% रेट है 20% 10% रेट नहीं 1 लाख का 20% 20,000 सर 2 लाख का 20% 40,000 ऐसे में मत सारा ऑरिजिनल वाली जो और सर 50,000 का 20% वो भी 3 महीने के लिए कि जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने ऐसे नहीं हाँ 50,000 का 20% कितना होगा 10,000 इंटू जनवरी फरवरी मार्च 3 / 12 ये आएगा 2.5 लाख ये वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं बेटा, यही अगर डब्ल्यूडीबी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता सर, पहला ईयर का डेप्री वही रहता
सेकेंड ईयर का 71,73,000 के ऊपर पड़ता है, मतलब डिप्टी सेकेंड ईयर का भी 86,67 से आलू निकाल के 27%। हाँ ये 1,73,332 से निकाल के 20%। हाँ यहाँ तो 2,50,000 निकाल। हाँ फिर थर्ड ईयर में क्या करते हैं, ये 66 निकल या जो भी फिगर बचता है यहाँ पे उसका 5 गुना का डिफरेंस निकाल के 10 को बेच के। हाँ मतलब 1/4/2020 के दिन जो वैल्यू होता मेरा इस पर सबके डिफरेंस निकाल के। बस यही तो बदलता डब्ल्यूडीबी और एसएलएम में। हाँ तो कैलकुलेशन का लॉजिक सेम ही है, बस खाली सर वैल्यू बदलेगा डिफरेंस और क्लोजिंग ओपनिंग वैल्यू बदलेगा। बाकी सब कुछ कुछ भी नहीं बदल सकता। इस चैप्टर में कंट्रोल करने लायक क्या चीज है, एक सर आप कितना महीना उस साल ऐसे को यूज कर रहे हैं वो ध्यान देना है, और सर हर बार ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर की 31 मार्च, ये थोड़ा सम को पहले ठीक है। अचानक अगर हम तो यहाँ पे सम लिया बेटा अप्रैल टू मार्च का, हाँ लेकिन अगर यही बोलता आपका कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं मतलब जनवरी टू दिसंबर, डेप्रिसिएशन अकाउंट कब
मैनेजर ने बेटा 4 लाख टोटल ला रहे हैं, हाँ लैंड को 4 लाख बैंक को ना बढ़ेगा, हाँ जो भी डिक्री हो माइनस कर दे बैलेंस शीट में, 4 लाख करोगे तो बैलेंस शीट आएगा 3 लाख टू 9,000 ठीक है। पहला ये खत्म, जैसे ही बेटा एसेट अकाउंट में यहाँ बाई डिक्री लिख के तुरंत यहाँ पे कभी कभी टू 18 को 19 को सॉरी टू एसेट लिख दो और अमाउंट लिख दो 4,600 ठीक है। हाँ बेटा एसेट अकाउंट या लाइबिलिटी अकाउंट तो बैलेंस सीवीडी होता है, हाँ एक्सपेंस और इनकम अकाउंट तो पीओ में वेस्ट करने कर देते हैं, हाँ भाई डेप्री अकाउंट का यही काम, उस साल जितना डेप्री हुआ उसको डेबिट में लिखो पीएल में भेजो, उस साल जितना डेप्री हुआ डेबिट में लिखो पीएल में भेजो, इसीलिए हम बोला कि ये अकाउंट टाइम पास है ना, लेकिन आपके एमसीक्यू के लिए बहुत काम का बात है कि जब डेप्री होता है तो डेप्री अकाउंट में क्या एंट्री होगा, डेप्री टू ऐसे और पीएल में भेजने का एंट्री क्या होगा, पीएल टू डेप्री पीएल टू। तो बेटा अगर कोई आपसे पूछ ले फर्स्ट ईयर में कितना जनरल एंट्री पास हुआ, वो पहला एंट्री पास हुआ परचेज कर लीजिए, दूसरा एंट्री क्या हुआ एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अगर कैश में मैंने पैसा देकर लिए हैं बैंक या कैश उधार नहीं है तो आप वही, अब जितनी बार खरीदे उतनी बार एंट्री पास कर लो, क्या दिक्कत परचेज कर देखिए एंट्री होगा, हर बार क्या पहला साल दो एसेट खरीदे दो बार एंट्री कर लो, एक बार एक अगस्त को और एक बार एक दिसंबर को है ना, हाँ चलो सेकंड एंट्री क्या पास होगा आपका डिप्री करने का एंट्री, जो कि होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, हाँ चल भी जाएगा डेबिट फिगर, और थर्ड एंट्री होगा डिप्री को पीएल में ट्रांसफर देने का एंट्री हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट, बाकी वो जनरल पूछे तो जनरल क्लियर, लेजर पूछे तो लेजर क्लियर, हाँ अंडर विदाउट प्रोविजन मेथड। चलो ठीक है सेकेंड ईयर में जाते हैं तो सेम काम करेंगे सेकेंड ईयर में, तो आप क्या किए सेकेंड ईयर में, तो तुरंत एक नया एसेट खरीदे थे 1 जून को तो पहले यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस चाहिए बैलेंस अप्रैल को पहले तो दिसंबर कितना हुआ, ये 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 20 80 और 80 प्लस 33,300 आपका फिर बैलेंस बचेगा 22 की, इधर में आपका टोटल आ रहा है 369 प्लस 2 लाख 559,333 माइनस 113,333 4,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 44,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 4
टू सी टू बी डी टू बी डी 4,46,000। अब सर
यहाँ पर जमीन है, इसका क्या हुआ है? मेरे एक ऐसे बिता भी है वो डिप्टी भी हुआ है, तो सर पहले उसको डिप्टी दीजिए फर्स्ट सेप्टेम्बर को। कहाँ का डिप्टी हुआ? 2381 सर। उस साल फिर सेल भी हुआ आपका भाई बैंक, हाँ कितना में बिका? 70,000 सर। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो यहाँ टू पी एल माय पीएल अब सर फिर आया 31 मार्च जिस दिन बाकी ऐसे डेट में 40,000 तो 20,000 7,000 7,000 प्लस 40,000 1 लाख प्लस 2500 1,02,500 है ना? हाँ डिप्रिसिएशन के अमाउंट पे आपका डिप्रिसिएशन का पहला पार्ट, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन सिखाया
प्रेजेंटेशन कराया विदाउट प्रोविजन में, नेक्स्ट क्लास में इसी हम करेंगे विद प्रोविजन में। ठीक है।